नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की खास पेशकश चमत्कार का लाइव टेस्ट में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज हम बात करेंगे ऐसी विद्या, विधा और विद्या की, ऐसी विधा या विद्या जिसके बारे में, जिनका अध्ययन या जिसमें सिद्धि प्राप्ति को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन इस कड़ी में इस विधा को शामिल क्यों किया जा रहा है, पहले जरा इसे समझ लीजिए। बाबाओं का दिव्य ज्ञान, ट्रिक या प्रज्ञान, न्यूज नेशन के मंच पर आए कितने बाबा और विद्वान चमत्कार का लाइव टेस्ट की चुनौती में नहीं दे सके कोई प्रमाण, लेकिन खुद को साबित करने की सनक हुई सवार और मंच पर तर्क के आगे हो गए लाचार। राजस्थान के झुंझुनू में आचार्य संजय शास्त्री का दिव्य दृष्टि जागृत करने वाला दरबार समस्या के निवारण से भी रखते हैं सरोकार। बाबा मंच पर आए लेकिन दिव्य दृष्टि साबित नहीं कर पाए। ऐसे ही अलौकिक दृष्टि का दावा करने वाले कई बाबा ने दिया टेस्ट, पर्ची लिखी लेकिन कोई नहीं था परफेक्ट। ग्वालियर के आनंदेश्वर महाराज कर बैठे खुद का पर्दाफाश। टीकमगढ़ के लहराइन सरकार धाम वाले महंत नरेंद्र दास भी आए, अपने ही लोगों को बैठाकर पर्ची वाले नाटक पर घिर गए। फर्जी साबित हुआ दावा, फर्जी निकले बाबा। रायपुर के मां मातंगी धाम के प्रेमा साई महाराज ने लिखी पर्ची लेकिन फर्जी निकली दिव्य दृष्टि। बाबा ने चमत्कार दिखाया, फर्जीवाड़ा सामने आया। सतना के आदर्श कृष्ण शास्त्री ने दी चुनौती, सच साबित करने में हो गई दुर्गति। मथुरा के गोवर्धन धाम वाले अवधेश शास्त्री ने दिखाई चालाकी, खुलासा होने में कुछ भी नहीं रहा बाकी। और अब मिड ब्रेन एक्टिवेशन गुरु डॉक्टर जितेंद्र कुमार की बारी। क्या सच में बच्चों की दिव्य दृष्टि जागरण की है तैयारी? क्या बच्चे पढ़ेंगे भविष्य में भारी? डॉक्टर जितेंद्र कुमार का दावा, दिव्य दृष्टि या छलावा? न्यूज नेशन के खास मुहिम चमत्कार का लाइव टेस्ट में अब तक आपने कई ऐसे कथित बाबाओं के दावे को देखा जो विज्ञान को चुनौती देते नजर आते हैं। कोई प्राचीन काल की विद्या से हड्डियों का इलाज करते हैं, तो कोई दिव्य दृष्टि जागृत करके भूत भविष्य देखने का दावा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हरियाणा के हिसार के डॉक्टर जितेंद्र कुमार की, जो लोगों के ब्रेन और व्यवहार पर कार्य करते हैं और मानव मस्तिष्क की एकाग्रता और याद रखने की क्षमता में सुधार करने का दावा करते हैं। 4, 9, 2, 9, 0 व्हाइट और ब्लू, क्या व्हाइट और ब्लू? आग पर बंधी हुई पट्टी और पूछने पर किताब के पेज की संख्या सही सही बता देना। 123। आग पर पट्टी बांधकर मोबाइल में कितना समय हो रहा है वो भी सही बता देना। क्या टाइम होगा रिया मोबाइल के अंदर? नहीं, इसको ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे करके। अच्छा, रिया को देखना पड़ेगा। हाँ, स्मेल करके बता। 23। अभी कितना हुआ? 24। वाओ, एक सेकेंड में अभी 24 23 था। आग से नहीं देखने के बावजूद मोबाइल की तस्वीर के बारे में सही सही बता देना। अभी अभी कुछ कुछ फोटो खोल लें आप कैमरा नजदीक ले आए, कुछ भी फोटो खोल लें आप और वो फोटो बताएगी फोटो के बारे में या उसके ऊपर डिटेल। सब कुछ पढ़ के आपके मैसेज पढ़ देगी, फोन मिला देगी, कुछ भी करेगी। बच्ची के सामने ये शख्स अपने फोन से एक तस्वीर निकालता है और उसके बारे में बताने को कहता है। क्या ये कोई चमत्कार है या दैवीय शक्ति का प्रताप या महज एक विधा, बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले आपको इस बच्ची और उसे ऐसा कर पाने योग्य बनाने वाले उनके गुरु से परिचय कराते हैं। नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार, काम मिड ब्रेन एक्टिवेशन गुरु।
दुनिया जिसे चमत्कार कहती है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार के शब्दों में वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का तरीका है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार बच्चों के मस्तिष्क और उनके व्यवहार पर काम करते हैं। मानव मस्तिष्क की एकाग्रता की शक्ति को सामान्य स्तर से अधिक बढ़ाने का दावा करते हैं। बच्चों में याद रखने की क्षमता में सुधार करवाने का दावा करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार का दावा है कि वो वैज्ञानिक तरीकों से बच्चों की याददाश्त शक्ति को नॉर्मल से 4 से 5 गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। हरियाणा के सिवानी के बख्तावरपुरा गांव के रहने वाले डॉक्टर जितेंद्र कुमार विजडम ऑफ माइंड नाम की संस्था चलाते हैं, जहां निशुल्क बच्चों को कुछ यूं ही मिड ब्रेन एक्टिवेशन का तरीका बताया जाता है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार के नाम कई उपलब्धियां हैं। दावा है कि उन्होंने 500 से अधिक आंखों से नहीं देख सकने वाले बच्चों की भी मदद की है और दावा है कि ये बच्चे अब देखने में सक्षम है। दावा तो यहाँ तक है कि कोमा में गए मरीज को डॉक्टर जितेंद्र होश में ला चुके हैं। डॉक्टर जितेंद्र रोहतक के मनोरोग विभाग के एक चिकित्सक के कोमा में गए रिश्तेदार को ब्रेन मैपिंग की मदद से होश में लाने में सफल रहे थे। महज 8 साल में डॉक्टर जितेंद्र कुमार दिमाग तेज करने की विधि के बारे में 18,000 लोगों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। आखिर डॉक्टर जितेंद्र कुमार की ये विधा चमत्कार है या विज्ञान या फिर सिर्फ एक ट्रिक? वो कैसे करते हैं ह्यूमन माइंड को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाने का ये कारनामा? लाइनिंग ऐसा लग रहा है। और क्या क्या लग रहा है इस पे? इधर भी और उधर सर्कल लग रहा है। उनकी इस विधा को हम आज न्यूज नेशन के मंच पर तर्क की कसौटी पर परखेंगे। विज्ञान की अब तक उपलब्ध थ्योरी पर उनके दावों की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। आखिर वो कैसे एक सामान्य मस्तिष्क को असामान्य और विलक्षण बनाने का कारनामा कर देते हैं। 9 2 7 7 5 0 9 अब हम आपको सीधे डॉक्टर जितेंद्र से मिलवाते हैं, जो बच्चों को दिव्य दृष्टि देते हैं और ये वो क्लेम करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। डॉक्टर जितेंद्र, ये दिव्य दृष्टि जो शब्द है ना, अपने आप में बहुत खास हो जाता है क्या, होता क्या, जरा इसे समझा सकते हैं? ये एक टाइप की मेंटल एबिलिटी है और ये सभी में पाई जाती है, सभी में है। इसके लिए थोड़ा सा हम रेफरेंस लेना चाहेंगे। महाभारत में संजय ने दिव्य दृष्टि से युद्ध के मैदान का सारा हाल बताया था। उसको कुछ लोग डिनाई करते हैं, कुछ लोग मानते भी हैं। अब नेक्स्ट वर्जन की बात करते हैं, सेकंड, तो यूएसए की सीक्रेट एजेंसी ने 1978 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ऑपरेशन स्टारगेट। उसमें उन्होंने सुपर ह्यूमन स्किल्स डेवलपमेंट पे काम किया और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। वहाँ के जो एजेंट्स थे उन्होंने अपनी मानसिक शक्तियों को, मेंटल एबिलिटीज को इतना एनहांस किया कि स्पेस ट्रेवल किया, यानी यहाँ बैठे बैठे उन्होंने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर का लाइव बताया था ऐसा है। और उसके बाद कुछ एजेंट्स ने जाके जब वेरीफाई किया तो उन्होंने जो ड्राइंग बनाई थी तो रियल ड्राइंग से लगभग 95% मैच करती थी। अच्छा, तो उसके बाद फिर थर्ड वर्जन की बात करते हैं तो लगभग 2016-17 के आसपास भारत में शुरू हुआ विजडम ऑफ माइंड नाम से। उसमें भी लगभग सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग भारत में हैं जो स्पेस ट्रेवल करते हैं, यहाँ बैठे दूर तक बताते हैं। अच्छा जी, तो ये त्रिनेत्र वाली शक्ति वही होती है क्या? जी, उसमें उन शक्तियों में से एक ये त्रिनेत्र वाली शक्ति है। अच्छा, मतलब कि आँख खोलते, हालांकि ये कहा जाता था कि महादेव अगर आँख खोलेंगे तो सब कुछ भस्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो आप कह रहे हैं कि ज्ञान जागृत हो जाता है। जी बिल्कुल, ये डिफरेंट हो गया थोड़ा सा। हाँ, अपनी अपनी सोच की बात है। बेसिकली आजकल प्रॉब्लम क्या है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है बच्चों में, बड़ों में, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, दिमाग इधर उधर चल रहा है। जो काम हम कर रहे हैं उसको छोड़ के और सब जगह दिमाग चल रहा होता है, वहाँ नहीं होता यूजुअली, ऐसा देखा। मिड ब्रेन एक्टिविटी भी कहते हैं ना? जी, वो भी कहा जाता है, सेम है जी। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट आया कैसे, मतलब इसके बारे में अध्यात्म में तो चर्चा है, क्या उसी अध्यात्म को अब आप साइंस के साथ जोड़ के लोगों को सिखा रहे हैं? जी, उसी अध्यात्म की बात है और हमने कुछ रिसर्च किया इसी पर और काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। अब साइंटिफिकली प्रूवन का मतलब हुआ कि कुछ बातें, कुछ लोग स्पेशल, कुछ सिद्ध पुरुष होते हैं लेट से, तो वो अपनी विद्या का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसी विद्या का उपयोग दूसरा अगर नहीं कर पा रहा तो ऐसा कहा जा सकता है कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है वो। लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन ये इसलिए है कि ये एक टेक्निक है, ये किसी पर भी कोई भी अप्लाई करेगा तो रिजल्ट वैसे ही आएंगे।
अभी तक मोर देन 23,000 लोगों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। अच्छा, वो आंख बंद करके अखबार पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, कुछ भी पढ़ करें, अभी ये बच्चे करके दिखाएंगे आप। हाँ, मैं तो इन बच्चों से मिलूंगा, लेकिन मैं चूंकि दो चार बातें आपसे कर लूं ताकि दर्शक भी समझ पाए कि आज हम किस दिव्य दृष्टि की बात कर रहे हैं। यस, वैसे दिव्य दृष्टि उन्होंने वेदों में पढ़ा होगा, जो पुरानी कथाएं हैं उसमें सुना होगा, लेकिन ये दिव्य दृष्टि के ऊपर मैंने ये भी देखा कि भारत में तो कई ऐसे मिड ब्रेन के नाम पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो 20-25 हज़ार रुपये फीस भी इसका लेते हैं, तो ये क्या है फिर? अब उनके बारे में तो मैं क्या कमेंट करना चाहूँगा, लेकिन है ना, ये तो आप मानते हैं? हाँ है, बिल्कुल, आप भी सीख सकते हैं। विद इन 5 डेज कोई भी इसका एक्सपर्ट ट्रेनर बन सकता है। 5 दिन में एक्सपर्ट ट्रेनर आप बन सकते हैं। इतना आसान है क्या? बहुत, इससे भी ज़्यादा आसान है। नहीं, क्योंकि मैंने जितना देखा सुना या फिर बैठे हैं ये लोग भी, तो इन लोगों से जो बात करूंगा तब पता चलेगा कि ऋषि मुनियों को तो वर्षों तपस्या लग जाती थी इस दिव्य दृष्टि को हासिल करने में, शायद फिर भी सफलता नहीं मिलती थी, और आप कहते हैं कि विद इन 5 डेज, ये कैसे मुमकिन हो जाता है? अब कैसे मुमकिन हुआ, एक काम, हम यहाँ नोएडा में हैं, यहाँ से अगर मुंबई जाना हो तो पैदल चलने में शायद कुछ महीने लगेंगे, ट्रेन से जाने में 4 दिन लग सकते हैं, एरोप्लेन से शायद 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो तरीके हैं अपने अपने, क्या पता ये तरीका उन्होंने यूज ना किया हो। इसमें सर आपने वो शब्दों को ऐसा चुना, जैसे तांडव शब्द एक जगह मैंने सुना है कि आपने तांडव शब्द जोड़ा इस क्रिया से, वो कैसे जुड़ गया? आध्यात्मिक शब्दों को क्यों जोड़ा गया? बेसिकली हम ना एक हार्मोनल स्ट्रक्चर है, तो उसी पर बेस्ड तांडव शब्द जो मैंने लिया वो हमारे सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट करता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्या डेमोस्ट्रेट, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो भी समझ पाएं कि ये बच्चे नॉर्मल ही हैं, और लेकिन आप कह रहे हैं कि अब इनके पास दिव्य दृष्टि आ चुकी है, मिड ब्रेन एक्टिवेट हो चुका है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ मैं इनकी देख सकता हूँ क्या? बिल्कुल, आपके पास है ब्लाइंड फोल्ड्स है आपके पास? बच्चों आप आ जाइए ज़रा, मैं एक बार चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आके एक बार ब्लाइंड फोल्ड डाल के देखें तो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर आप ही बच्चों को पा देंगे। क्या मैं ये देख, ब्लाइंड फोल्ड एक ही है क्या? एक आप आके बांधो। कॉटन 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 होगा तो थोड़ा ठीक हो जाता। क्या कॉटन है? अरेंज कर सकते हैं क्या हम? रुई एक लाइए जरा। एक और बच्चे को बुला लीजिए, वो एक दूसरे को बांध के देख लेंगे, या तो या कंफर्म हो जाएगा। अभी पूछेंगे तब बताना होता है। टेप भी चाहिए सर? एक बार मैं देखूं जरा कपड़ा, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं प्लीज। दिख तो नहीं रहा, हल्की सी लाइट पता चल रही है। कॉटन लगाने के बाद वो भी नहीं रहेगी। हाँ, थोड़ा थिन है ये। इनसे शुरू करें? जी बिल्कुल, किसी से भी शुरू कर सकते हैं। आप एक मिनट ठीक है। कान कान के ऊपर कोई बात? ईयर थोड़ा सा भी छोड़ दें। देखना ठीक है, ज्यादा टाइट तो नहीं है? एक और भी बांध सकते हो। चेक करना है? नीचे से दिखने की पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है? ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, अब आप एक काम करो, बैठ जाओ। ये अब क्या कर सकती हैं? ये जैसे आप देख रहे हो वैसे ये देख सकती है, कोई बुक, कोई कार्ड। तो मैं अगर यहाँ भी किसी को बुलाऊं कि उसने क्या कपड़े पहने ये बता देगी? बिल्कुल। हाँ, यस, पक्का? पक्का। आओ फिर यहाँ खड़े हो जाओ, मैं एक काम कर रहा हूँ। हाँ, आप आ जाओ। कुछ अलग अलग बच्चों को बुला सकते हैं आप? हाँ, मैं रैंडमली बुलाऊंगा एक एक करके। इवन ऑडियंस में जाके मैं किसी से हेलो कर सकती हूँ। हाँ हाँ, जा अभी सकते हैं। अभी आप जाना ऑडियंस के पास, एक मिनट। ये आपके सामने एक लड़की खड़ी है, मैं उसका नाम भी नहीं पूछ रहा, क्या आप बता सकती है वो क्या पहन? लेपर्ड ड्रेस डाल रखी, ऊपर लेपर्ड कलर उस डिजाइन की शर्ट डाल रखी है, और ब्लैक और स्किन कलर, पिंकिश स्किन कलर, और नीचे से बिल्कुल ब्लैक कलर का ट्राउज़र डाल रखा है, और जूते डार्क कलर और लाइट कलर के हैं, डेनिम जैसे जो होते हैं वो। बोलो, अब तुम्हारी बारी है। क्या सही बोला इसने? ठीक बोला। हाँ, एकदम सही है। मुलाकात तो नहीं की थी इससे पहले? नहीं, पहले से नहीं जान रहे हो ना, तो तुम अपनी बेटा आप किसी बच्चे को बुलाएं, इनको कहें ये किसी को कॉल करेंगे। सिंड्रेला। कैन वी अरेंज सम मार्कर और ब्लैंक पेज? आप ड्रॉ करेंगे? इधर आ जाओ। हाँ ठीक है,
बताओ। इन्होंने वाइट कलर का टॉप पहन रखा है, ब्लैक कलर के बटन से और नीचे से ब्लैक कलर का लोअर पहन रखा है। आई डोंट नो व्हाट टू से इट, नीचे से ब्लैक कलर का पहन रखा है। एग्जैक्टली हाँ ठीक है, आप लोग अपनी जगह पे चले जाइए। अच्छा अभी आप ऑडियंस के बीच में जाना चाह रही थी और वहाँ पे जाकर आप लोगों को बताना चाह रही थी। नहीं, आप बताएं कि जब तक पेपर और पेन आ रहा है तब तक आप, हाँ आप जाए बेटा पीछे जाके, और एक दीदी हैं जिन्होंने जिन्होंने आप चले जाओगे ब्लैक एंड वाइट। आराम से आराम से आराम से आराम से, इधर 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 जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ, उधर से जाए आप इस साइड, और पीछे ऑडियंस में अभी चली जाएगी। हाँ अभी ध्यान हो गया बेटा। हाँ एक दीदी ने ना ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी है और ब्लैक कलर का है और वाइट कलर के उस पर कुछ फ्लावर्स हैं, उनसे हेलो करो। हेलो, क्या बात है। ओके आप खड़े हो जाएं प्लीज, आप खड़ी हो जाइए। सरप्राइज हो रहा है क्या? आई डोंट नो व्हाट टू से बट आई एम सरप्राइज्ड। तो यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो? श्योर। इन्होंने पिंक, लाइट पिंक कलर का कुर्ता पहन रखा है। इनकी हैंड पोजीशन बेटा, पोस्चर बैठने का ऐसे, और इन्होंने लाइट पिंक कलर का ऊपर से शर्ट पहनी हुई है और ब्लैक कलर का नीचे से पहन रखा है, और जीन्स पहन रखी है, और ऐसे हाथ है, फ़ोन भी हाथ में। ओके और इन्होंने पैंट्स पहन रखी है डार्क ब्लू कलर की और लाइट लेवेंडर कलर की टी शर्ट पहन रखी है, टी शर्ट काइंड ऑफ थिंग, और इन्होंने जीन्स पहनी हुई है डार्क ब्लू कलर की और पिंक कलर का टॉप पहन रखा है, और ऐसे हैंड पोजीशन है। चलिए आप अब आइए, आपको मैं जगह पे छोड़ दूँ, आप उतर के जा सकती हैं या फिर मैं आपको पहुंचा के चले जाऊंगी अपनी जगह पे। अच्छा जितेंद्र जी, ऐसा तो नहीं है कि चूंकि आपने कहा है ना कि इनका आपने एक्टिविटी इनको आपने बहुत शार्प कर दी है जिस एक्टिविटी के साथ आप इनको जोड़ के, ऐसा तो नहीं कि इन्होंने जब बच्चे आपके बैठे तो यहाँ उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन के जरिए सबको रीड कर रखा हो? अगर आपको लगता है तो किसी भी तरीके से शफल अब करने के बाद भी किया जा सकता है। अच्छा और एक बात है, अगर इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया होता तो इतनी शार्प मेमोरी है वो भी एक कमाल की बात है। हाँ डेफिनेटली, मैं तो ये देख रहा हूँ मैं जी। न्यूज़पेपर कौन से पढ़ देंगे भाई, न्यूज़पेपर कौन पढ़ देंगे आपने? अब आपने पेपर और पेन कहा था। हाँ एक्चुअली इनकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा रिया की है। अच्छा। इनकी थोड़ी कम प्रैक्टिसेस हैं। अच्छा। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वगैरह ये दिन अभी एक ट्रेनिंग ली है इन्होंने, दो तीन दिन की ट्रेनिंग ली है बस। अच्छा दो तीन दिन की, रिया ने एक हफ्ते की ट्रेनिंग ली थी। अच्छा आप करोगे? हाँ आ जाओ आ जाओ, कलर्स आइडेंटिफाई कर देंगे ये। कितने दिन का सेशन हुआ इनका? इनके दो तीन दिन का इन्होंने लिया था। अच्छा क्या नाम है आपका? शुभम जांगड़ा। कितने घंटे आपने प्रैक्टिस की सेशन में? दो घंटे। दो घंटे बस, मतलब दो तीन दिन यानी दो दो घंटे तुमने प्रैक्टिस की है, और क्या क्या कर लेते हो? न्यूज़पेपर कलर पहचान लेता हूँ। न्यूज़पेपर ही पढ़ लेते हो? थोड़ा 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 या पढ़ लोगे? पढ़ लोगे, न्यूज़पेपर लेकर आ जाइएगा। ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद मंगवाना, नहीं तो फिर कहोगे देख लिया होगा। नहीं नहीं कोई नहीं, वो जब तक लेकर आ रहे हैं आप आ जाओ एक बार फिर से, इनको फिर से आप जो है ब्लाइंड फोल्ड करो, बांधो। बेटा आप पीछे चले जाओ, आप पीछे आ जाओ। ये तो सारे आपके स्टूडेंट हैं, यानी आपका लेवल तो इनसे कहीं ज्यादा ऊपर होगा, फिर आपसे मैं क्या एक्टिविटी करा सकता हूं? तो कोई लेवल नहीं है जी। नहीं है, जब आपके स्टूडेंट्स वो आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं भीड़ में जाकर, आपके स्टूडेंट्स पेपर पढ़ लेंगे, हमारा ये लेवल है कि हम आपको भी सिखा सकते हैं। अच्छा वो तो खैर सभी बच्चों को सिखा सकते हैं एक हफ्ते में। एक हफ्ते में मतलब अगर मैं ये आपसे करवाऊं तो फिर वो आप भी कर सकते हैं ब्लाइंडफोल्ड बांध के? हम कुछ और कर सकते हैं, करेंगे अभी एक्टिविटीज कुछ और, जैसे
कुछ ब्रेन बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ जो सभी अपना फील करेंगे, ओवर थिंकिंग का पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, रिलैक्स फील करेंगे, कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। अभी हम करेंगे सभी वो करेंगे ना। यस ठीक है, तो मैं एक बार न्यूज़पेपर पढ़वा लूँ इनसे, उसके बाद फिर मैं जितेंद्र जी को भी एक्टिवेट करूँगा। जी सर, आप एक बार मेरे साथ यहाँ आ जाओ। क्या नाम बताया था आपने? शुभम। शुभम, शुभम एक हाथ में माइक रखो, ये हाथ है इसमें माइक रखो, ठीक है, ये न्यूज़पेपर है, अब आप पढ़ो। मैं थोड़ा हेल्प करूँ, माइक आप पकड़ लें दोनों हाथों से। मैं माइक पकड़ ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी फोटो या कुछ समझ आ रहा हो तो बताएं। कोई पिक्चर है क्या? नहीं पसंद है। नहीं समझ पा रहे? अब बच्चा शायद नर्वस हो गया तो मे बी। कलर पूछ सकते हैं, क्या कलर है बेटा? हेडिंग हेडलाइन की तरफ से दे दीजिए इसको, हेडलाइन जहाँ हो, बड़ी फोटो। मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार देखते हैं कलर, इसमें कलर बताओ। रेड 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 सा कुछ लग रहा है। रेड है? ठीक है, ये रेड नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं मान सकता हूँ रेड नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, रेड ओके, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ बेटा, आराम से रिलैक्स। मैं ब्लाइंड फोल्ड खोल दे रहा हूँ। सर, अपनी जेब में से कोई चीज निकाल कर इन्हें देना चाहेंगे? आप बताएंगे ये क्या है? यहाँ से येलो है और यहाँ से ये रेड है, यहाँ से ये रेड है। 30 सेकंड की खेल, यहाँ से भी रेड है ये। 30 सेकंड अच्छा। में मैंने इनकी तीसरी आंख जगा दी। ओके, एक काम कीजिए, इस कलर से आप ट्राइंगल को कलर कर दीजिए, ये वाला पोर्शन थोड़ा खराब हो गया आपका, बाकी सब स्क्रिबल सही किया। एक पेपर दिया था सब कुछ स्टार्ट करने से पहले, आप जरा वो पेपर खोल के देखिए और सबको दिखाइए, क्या ये एग्जैक्ट मैच है? ये दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि है। ओह माय गॉड। नहीं किया हुआ।